नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज बात होगी हाथरस पर सख्त हो रहे योगी आदित्यनाथ के रुख की, विपक्ष के हाथरस मामले में हल्ला बोल की और उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की। चलते हैं खबरों की तरफ। हाथरस प्रशासन एक के बाद एक गलतियां करता रहा और योगी सरकार की भद पिटती रही। पहले उस पीड़िता की लाश अंधेरी रात में जला दी गई, उसके बाद डीएम का वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो परिवार को सॉफ्ट तरीके से धमकाते नजर आए। पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है और सियासत जमकर हो रही है। और इन सब से अगर किसी एक की साख पर बट्टा लग रहा है तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और शायद यही वजह रही कि प्रशासन के इस पूरे मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाने की वजह से अब योगी सरकार सख्त होती जा रही है और खासकर योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो पूरे हाथरस प्रशासन पर गाज गिर सकती है और खासकर हाथरस के डीएम और एसपी दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कार्रवाई क्या होगी? क्या उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा या फिर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई पर मंथन चल रहा है कि नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा ओवरवॉइलिंग कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाथरस कांड ने पूरे देश में उफान ला दिया है और इससे इस सरकार की साख पर बट्टा भी लगा है। बता दें कि पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री ने पहली बार किसी लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और उसके बाद से ही प्रशासन को लेकर योगी आदित्यनाथ नाराज बताए जाते हैं। प्रशासनिक फेरबदल भी कभी भी हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस में दलित पीड़िता का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि अब पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। विपक्ष पूरी तरीके से हल्ला बोल की मूड में है और चाहे समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हो या फिर शिवसेना या टीएमसी बंगाल में हो, सबके सब इस वक्त योगी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शहर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली से लेकर हाथरस तक सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो टीएमसी के 4 सांसद भी हाथरस पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी भी सड़क पर उतर पड़ी। शिवसेना के लोग भी हाथरस पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त हाथरस को लेकर पूरे देश में हल्ला बोल है और ऐसा लग रहा है मानो योगी सरकार को घेरने का यह सबसे बेहतरीन मौका है। और यही वजह है कि कोई विपक्षी दल इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। अब चाहे योगी आदित्यनाथ से पुरानी सियासी खुंदक हो या फिर आने वाले 1.5 साल के बाद चुनाव का आगाज, एक बात तो तय है कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर लिया है और यह मुद्दा इतना बड़ा है कि इसमें दलित और महिला दोनों से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, इसलिए योगी सरकार बैकफुट पर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्वीट किया और कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, महिलाओं और दलितों के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और जिन्होंने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो सब जेल भेजे जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर इस वक्त प्रदेश में हल्ला बोल की स्थिति है और विपक्ष के तमाम दल और नेता योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने में जुट गए हैं। सरकार इस वक्त बैकफुट पर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस के मुद्दे को लेकर बीजेपी के भीतर भी एक तरीके का घमासान चल रहा है। हालांकि खुलकर कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन बीजेपी के भीतर के दलित सांसद अब धीरे धीरे मुखर हो रहे हैं। हंसराज हंस, जो कि दिल्ली की एक सीट से सांसद हैं, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। उसके बाद विनोद सोनकर, जो कि बीजेपी के दलित मोर्चे के इस वक्त अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि जिस तरीके से उस पीड़िता की लाश देर रात अंधेरे में जलाई गई और परिवार को उससे दूर रखा गया, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। साध्वी निरंजन भारती, जो कि बीजेपी का पिछड़ा चेहरा है,
आज उन्होंने भी इसके लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हुए ये कहा कि किसी सूरत में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था और परिवार के साथ ये अन्याय हुआ है। तमाम विपक्ष इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेर रहा है और बीजेपी के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाथरस में उन लड़कों के समर्थन में भी आवाजें उठ रही हैं जो इसमें मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। हाथरस के एक गांव में बकायदा पंचायत हुई और बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने उन चारों लड़कों की तरफदारी करते हुए कहा कि यह मामला ऑनर किलिंग का है और इन चारों लड़कों को फंसाया जा रहा है। बकायदा सवर्ण और ठाकुर समाज के लोगों की यह पंचायत थी और अब वो इस मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं, जिससे योगी सरकार की परेशानी बढ़ना लाजमी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नवनीत सहगल एक बार फिर से सूचना विभाग के प्रमुख सचिव बना दिए गए हैं। अखिलेश यादव की सरकार में भी नवनीत सहगल इस पद पर रह चुके हैं और अखिलेश यादव के मीडिया मैनेजमेंट के सबसे बड़े खेवनहार के तौर पर इनकी पहचान बनी थी। अब जबकि एक तरफ हाथरस के मामले में योगी सरकार अपना हाथ जला चुकी है, चौतरफा आलोचनाओं को झेल रही है और पूरा विपक्ष इस वक्त हल्ला बोल की मूड में है, ऐसे में इस एक ट्रांसफर ने एक बड़ी चर्चा को जन्म दे दिया है। इससे पहले अवनीश अवस्थी इस विभाग को देख रहे थे और पिछले 3 सालों से वो सूचना के प्रमुख सचिव थे, लेकिन ऐसी स्थिति में जब हाथरस का मामला गरमाया हुआ है, योगी सरकार ने अवनीश अवस्थी को हटाकर नवनीत सहगल को यह पद दिया है। नवनीत सहगल मीडिया मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं, चाहे मायावती का दौर रहा हो या फिर अखिलेश यादव का दौर, दोनों सरकारों में इन्होंने मीडिया को लेकर इनकी एक बड़ी छवि रही और मीडिया मैनेजमेंट करते रहे। और अब अखिलेश यादव की सरकार के बाद योगी सरकार के आखिरी 1.5 से 2.5 साल के बीच का जो वक्त है, ये नवनीत सहगल को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की छवि चमकाने के लिए दिया गया है। अब देखना यह है कि वो इसमें कितने सफल हो पाते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो जान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना का सूरत हाल और क्या कहता है हमारा कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे में 3,946 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 5,107 लोग कोरोना से ठीक होकर नेगेटिव हो गए हैं। कुल 24 घंटे में 54 लोगों की मौत हुई है और अब तक 5,917 लोगों की कोरोना से उत्तर प्रदेश में जान जा चुकी है। लेकिन राहत की एक बात, अब लगातार कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा घट रहा है और अब ये 50,000 से घटकर 49,111 पर आ गया। तो ये था हमारा कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे के उत्तर प्रदेश के अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।